राजस्थान के नए बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ आज शनिवार को पदभार ग्रहण करेंगे। सीपी जोशी की जगह लेंगे। पदभार ग्रहण समारोह में भाजपा के कई बड़े नेता शामिल होंगे। समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर है। शहर भर में कार्यकर्ता द्वारा भाजपा के ध्वज बैनर होर्डिंग लगाए गए हैं और भाजपा प्रदेश कार्यालय पर सजावट की गई है। तैयारियों को लेकर शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय के सभी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और प्रदेश सह प्रभारी विजय राठकर ने बताया कि मदन राठौड़ के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पूरे प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ता उनके कार्यभार ग्रहण समारोह में सहभागी होने के लिए जयपुर पहुंच रहे हैं। शनिवार सुबह 11 बजे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इस दौरान भाजपा के प्रमुख नेता एयरपोर्ट पर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का स्वागत करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर अब दोपहर 12 बजे पूजन के बाद नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पदभार ग्रहण करेंगे। बता दें, सीपी जोशी द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश के बाद मदन राठौड़ को राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। वो पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा सीट से वह 2 बार विधायक रहे हैं। मदन राठौड़ 4 बार भाजपा के पाली जिला अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। पिछली बीजेपी सरकार में उन्हें सरकारी उप मुख्य सचेतक बनाया गया था। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भी वो टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इससे नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय नामांकन करवाया था, लेकिन समझाइश के बाद उन्होंने पर्चा वापस ले लिया था। इसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया। मदन राठौड़ राजस्थान में बड़े ओबीसी नेता है। अब भाजपा ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है। वो 3 अगस्त को राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष का पद ग्रहण करेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पार्टी के अन्य नेता कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।